श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। देखिए ये जो फाइल था, ये इस फाइल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। मेरे को जहाँ से जहाँ तक पसंद है मैं उसी हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट किया है। मैं चाहे इसको इधर से चाहे नहीं तो इधर से इतना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब मेरा पसंदीदा जगह में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो सिलेक्ट हो सकता है। ये तभी होना संभव है जब आप स्लीप मोड में रहोगे, मतलब F1 में आपको पता है शफल मोड चल रहा है, F2 जैसे दबाओगे वो स्लीप मोड में आपको ये ऑप्शन देगा, राइट। स्लीप मोड में आपको ये ऑप्शन देगा, कहीं से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें मान लो कि अगर ग्रिड मोड में हो, जैसे कि F4 दबाने से ग्रिड मोड होता है उस जगह पे, लेकिन आपको बीच में से वो जगह नहीं देगा। जैसे कि देखिए आप चाह रहे कि यहाँ से सिलेक्ट करें, लेकिन वो पहले से ही इस ग्रिड को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो ग्रिड टू ग्रिड ये काम करेगा। लेकिन इस मामले में आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जब आप ग्रिड मोड में हो लेकिन आपको फिलहाल कुछ टाइम के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, बीच में से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो इस इतना हिस्सा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल दबाते हुए इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको जो ग्रिड मोड जो यहाँ पे है, ग्रिड मोड डिजेबल हो जाता है और आपको ऑप्शन देता है कि स्लिप मोड के जैसा कुछ हरकत करने का, राइट। तो देखिए मैं कंट्रोल छोड़ दिया तो ये काम नहीं हो रहा है, मतलब ग्रिड टू ग्रिड कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल पकड़ते हुए मैं अगर इसको थोड़ा सा खींचूँगा तो जब तक मैं खींचूंगा वो स्लिप के हिसाब से, मतलब स्लिप मोड के हिसाब से वो चलता रहेगा, मेरे को स्लिप करने का ऑप्शन देगा वो, ठीक है। स्लिप मोड मतलब F2, आपको तो पता ही है, कुछ देर पहले मैंने बता दिया कि स्लिप मोड में आप कोई भी कर्सर, मतलब कोई भी जगह पे आप कर्सर को किसी भी जगह से किसी भी जगह तक आप स्लिप कर सकते हैं। कोई भी ऑडियो जो फाइल है उसको आप मान लीजिए, इसको आप अपना पसंदीदा कोई भी जगह में आप स्लिप मोड की तरह आप उसको ले जा सकते हो। लेकिन अगर ग्रिड मोड में इसको आप सिलेक्ट करोगे तो ये ग्रिड टू ग्रिड ही जाएगा, समझ गए आप, ये ग्रिड टू ग्रिड जाएगा। इसके आगे आप थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा या कम आप ले नहीं सकते। अभी हम लोग स्लिप मोड पे थे तो ये है स्लिप मोड का फंडा, और जो मैंने शफल मोड का फंडा आपको दिखाया तो आपको पता ही है शफल मोड किस काम के लिए है। अभी हम लोग आएंगे स्पॉट मोड में। स्पॉट मोड किस टाइम पे काम पे आता है, कोई भी एक ऑडियो चंक, याद से समझ लीजिए, कोई भी एक ऑडियो चंक जिसको आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दे देंगे वहाँ पे जाके बैठेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, उसको ब्लेड भी लगा दिया, तो आप चाहते हैं कि इसको इधर आप सेट करना चाहते हैं, तो इधर का जो बार पॉइंट है 121.1 ऐसा कुछ है, तो मान लीजिए कि 121 पे आप लगाना चाहते हैं, तो 121 इस जगह पे आपको ये जो आपने जो सिलेक्ट किया था ऑडियो चंक को आप सेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको F3 दबाते हुए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्पॉट मांगेगा कहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं। पहले से आपने जैसे ठीक किया था कि 121 पे ये ऑडियो चंक बैठेगा, तो यहाँ पे आप 121 प्रेस कर दीजिए आपका कीबोर्ड से, 121 एंटर दबाइए। देखिए यहाँ से वो चंक उठकर बिल्कुल इस जगह बैठ गया। तो इस तरह से आप स्पॉट मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आपको एडिटिंग के तौर पे आपको जब ज़रूरत पड़ेगा, आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड मोड में आपको ग्रिड टू ग्रिड जाने का ये ऑप्शन देता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रिड, ये ग्रिड को आप डिवाइड कर सकते हैं एक बार हाफ बार, मतलब जैसे कि मिनिमम के हिसाब से 1 फुल बार, मतलब एक सेमी ब्रेप होता है जिसमें 4 काउंट होता है, और ये जो हाफ नोट इसका मतलब एक मिनिमम का ऑप्शन देगा आपको, मतलब हर जगह पे आपको हर बार पे 2-2 का ऑप्शन दिखाएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार है, इसके अंदर देखिए यहाँ से देखिए एक यहाँ तक एक घर आपको, एक कमरा आपको दिख रहा है, यहाँ से एक कमरा आपको और दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको चाहे बार टू बार ले जा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इस चीज को बिठाने के लिए जिस टूल का सहारा लेते हैं हम, वो है नाज। ये देखिए NODG नाज मोड। इन नाज मोड में जब भी आप जाएंगे तो वो आपको दिखेगा, इन नाज मोड जब आप जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा कि कौन सा वैल्यू आपको चाहिए, 1/4 चाहिए, 1/2 चाहिए। 1/4 बोले तो मतलब एक बार में, जैसे कि 4 बीट होता है, ये 4 बीट आपको ऑप्शन देगा। जैसे कि इसको आप लेके आ सकते हो इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे फास्ट बीट है, फास्ट बीट बोले तो ये वाला, ये फास्ट बीट था, मतलब बार का ये फास्ट बार था 122। इसको अगर आप खिसकना चाहते हो राइट तरफ में तो आपका राइट कर्सर जो है इसको आप दे सकते हो, क्योंकि देखिए कर्सर आपको जा रहा है 4 बार, 1 2 3 4, 4 बीट पे आपको कर्सर जा रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा ये जो ऑडियो चांक है इसको मैं खिसकना चाहता हूँ, उसकी भी आप राइट एरो, आपका कीबोर्ड का जो राइट एरो है उस राइट एरो के साइड से आप खिसक सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे कि 4 कमरा वो स्टेप बाय स्टेप 4 कमरा आगे गया, आप चाहते हो कि हाफ कमरा बोले तो मतलब 1 और 2 कमरा वो आगे जाए, मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। जैसे कि एक बार में आपको 4 टिक होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है ना, टिक टक 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 जैसे होता है। तो ये 4 बीट को लेके होता है एक फुल बार, जैसे कि बार कहते हैं ना। लेकिन इस बार के अंदर जो 4 नोट है 1 2 3 4, 4 नोट के हिसाब से भी आप ले सकते हो या हाफ नोट के हिसाब से भी ले सकते हो, मतलब अगर 2 कदम आगे जाएंगे तो एक बार क्रॉस हो जाएगा। आप इसी हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो कि 4 कदम जाएगा तब जाके एक बार ख़त्म होगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा नाच को। मैंने फिलहाल नाच को अभी मिनिमम की तौर पे सेट किया है जिसका वैल्यू है 2। तो देखिए मैं लेफ्ट कर्सर दे रहा हूँ तो कर्सर जा रहा है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करते हुए मैं इसी ऑडियो जो चांक है इसको मैं लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, तो 2-2 करके आ रहा है। देखिए एक बार का ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये ग्रिड मोड सिर्फ आपको एक कमरा दिखने के लिए, और ये नाज मोड जो है, ये नाज मोड है एक्चुअली अब किस वैल्यू पर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। जब हम बाद में और भी एडवांस मोड में जाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि नाज मोड और ग्रिड मोड का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं, 1 ग्रिड 2 ग्रिड देख रहे हैं ना, मेन ग्रिड जो देख रहे हैं, इसको भी देखने के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे। आप अगर चाहते हो तो ग्रिड मोड को अगर ऑफ कर देंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा, जबकि ये लेकिन आपका जो नाज वैल्यू है नाज वैल्यू के हिसाब से लेकिन मूव करेगा, ठीक है, अंदर अंदर मूव करेगा। लेकिन इसको देखने के लिए आपको ग्रिड मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है ताकि आपको ग्रिड दिखे। तो ग्रिड मोड और नाज मोड इसीलिए मैंने यहाँ पे को दिखाया ताकि ये ग्रिड जो मोड यहाँ पे है इसको आप समझ सकें। इसके बाद देखिए रिलेटिव ग्रिड मोड, मैंने जो F4 को दोबारा दबाया, मतलब 2 टाइम्स जब मैंने F4 को दबाएंगे तो रिलेटिव ग्रिड मोड में आ जाएगा। तो मैंने इसको मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ, इसको काट कर दिया। तो काट करने के बाद अगर किसी ट्रैक में मान लीजिए कि कोई तबला प्लेयर या कोई ढोला प्लेयर इसके साथ कुछ बजाए जो कि ऐसे कुछ मैच हुआ है, इस तरह से इस मैच हुआ है इसके साथ साथ, तो देख रहे हैं आप इसके साथ, लेकिन ग्रिड लेकिन अलग बोल रहे हैं, ग्रिड यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन आप इसको खिसक के यहाँ से शुरू किया ताकि ये जो नीचे का जो लूप है इसके साथ मैच कर जाए। लेकिन इस टाइम पर आपको इसको लूप करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इतना यहाँ तक इसका लूप है, राइट। मैं इसको यहाँ सेलेक्ट किया और फिलहाल तौर पर मैं इसको ब्लेड मारा और इसको डिलीट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैं बाद में दिखाऊंगा कि इसको भी आप एक और एक शॉर्टकट है जो आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ग्रिड मोड या रिलेटिव ग्रिड मोड को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे ही करके यहाँ से शुरू हो रहा है ग्रिड। लेकिन इसका जबकि इसका ओरिजिनल ग्रिड यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, सुन कीजिए, इसका ओरिजिनल ग्रिड यहाँ पे है लेकिन आपने शुरू किया यहाँ से, मतलब एक और जगह से शुरू किया। इसको अगर 1 कदम आगे अगर निकलना है, मतलब आगे अगर पास करना है, यहाँ पे नाज वैल्यू क्या था, 1/2 नोट, 1/4 नोट कर दीजिए या 1/8 नोट कर दीजिए, जो आपको चाहिए।
ये 1/2 रहने दीजिए। तो करने के बाद जैसे आप राइट कर्सर दबाएंगे इसमें, ऐसे करके दो बिट आगे निकलते जाएंगे उसी हिसाब से, ठीक है। मतलब इसको अगर ग्रिड मानते हुए, इसको नहीं, इस पे अगर ग्रिड मानते हुए वो उसी हिसाब से दो बीट करके आगे आगे निकलते जाएंगे। मैं इसको एक बार राइट कर्सर दबाया, यहाँ पर गया, इसको दबाया, यहाँ पर गया, तो ऐसे आप इसको ग्रिड की तरफ पे जा सकते हैं। अगर आपको इससे भी छोटा टुकड़ा चाहिए तो आप 1/4 चेक कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट कर्सर दबाइए, देखिए एक एक करके जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रिड को फॉलो नहीं करेगा, रिलेटिव ग्रिड को फॉलो करेगा, ये ग्रिड के हिसाब से जा रहा है, इसको ग्रिड मानते हुए, क्योंकि जब मैं रिलेटिव ग्रिड को इस तरह से मैंने सेट कर रखा है पहले से, तो उसी हिसाब से मेरे को वो देगा। तो ये रिलेटिव ग्रिड किस टाइप पे आपको काम पे आएंगे, मान लीजिए कोई ऑडियो फाइल के साथ एक ढोल तबला बजाए और ढोल तबला का थोड़ा सा फ्लेमिंग होता है, हमेशा ही होता रहता है, तो उसी फ्लेमिंग को अगर आपने मैच कर लिया एक बार एक लूप के साथ, तो पूरा के पूरा जो रिदम सेक्शन जो नीचे से बजा हुआ है ऑक्टोपैड के ज़रिए या प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो बजाया हमने, उसके साथ पूरा के पूरा सिंक हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए इसको मैं सिंक करता हूँ, अभी ऑडियो चांग जो है इसको मैं 4 बार किया और इसको भी मैं इसके साथ सेट करते हुए 4 बार, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर लिया है और इसको मैं लूप करता हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से लूप के हिसाब से वो चलता रहेगा। लेकिन तो मैं इसको कैसे किया वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो ऑपरेशन मोड जो है इस मोड को समझने के लिए मैंने ये सब किया, आपको दिखाया आपको, ठीक है। तो ये था मोड, मतलब प्रो टूल्स जब भी आप चलाएंगे, प्रो टूल्स चलाने से पहले आपको इसका जो ऑपरेशन मोड जो है वो मोड लेकिन पता होना चाहिए, मतलब किस मोड में आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं या प्रोजेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बंदा रियल टाइम प्लेबैक करके गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको स्लीप मोड पर रहना बेहतर होगा। अगर कोई मानता है नहीं मैं क्लिक को मेंटेन करते हुए, मतलब मेट्रोनोम को मेंटेन करते हुए मैं म्यूज़िक बनाऊंगा या प्रोग्रामिंग करूंगा, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे आपको ट्रिक मोड लेना ही पड़ेगा और उसमें आपको ग्रिड मोड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम आप अगर एक बार सिलेक्ट स्लीप मोड में रिकॉर्ड करके फिर आप बाद में अगर ग्रिड मोड में आना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सेट नहीं होगा वो। लेकिन आप ग्रिड मोड में रिकॉर्ड करने के बाद में आप स्लीप मोड में आ सकते हैं, लेकिन स्लीप मोड में रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप ग्रिड मोड में आसानी से बिठा नहीं सकते, तो उसमें टेम्पो का फ्लैक्चुएशन होता है और फ्लैक्चुएशन होता है बोल के टिक जो है उसके साथ जो क्लिक नोट जो आपको सुनाई दे रहा है वो मैचिंग नहीं होगा। सो रिकॉर्डिंग करने से पहले शफल मोड, स्लीप मोड, ग्रिड मोड एंड स्पॉट मोड, ये चारों मोड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद आप ही तय करेंगे कि कौन सा मोड में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था प्रो टूल्स ओरिएंटेशन का मोड ऑपरेशंस के बारे में जो क्लासेस। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्लास में जाएंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ।